टीवी सीरियल में कई बार आपने देखा होगा ना कि सिर्फ एक प्लास्टिक सर्जरी के जरिए उस किरदार को निभाने वाले कलाकार को ऐसे बदल दिया जाता है जैसे कि वो कभी इस शो का हिस्सा ही नहीं थे। हाल ही में स्टार प्लस के शो कसौटी जिंदगी की में कोमोलिका का किरदार अभिनेत्री हिना खान निभा रही थी, पर एक ही रात में उन्हें अभिनेत्री आमना शरीफ से रिप्लेस कर दिया गया, जिसके बाद सभी दर्शकों को बड़ा धक्का लगा। कुछ ने तो शो को देखना ही बंद कर दिया। ऐसे ही कुछ किस्से टीवी इंडस्ट्री में हो चुके हैं कि रातों रात शो में काम कर रहे कलाकारों को किसी और कलाकार से रिप्लेस कर दिया गया हो। आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं कलाकारों से रूबरू करवाएंगे जिन्हें किसी और कलाकार से रिप्लेस कर दिया गया, जैसे कि वो कभी शो का हिस्सा ही नहीं थे। आइए जानते कौन है। नंबर 5, रोहन मेहरा। स्टार प्लस के लोकप्रिय शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा के भाई नक्श का किरदार पहले अभिनेता रोहन मेहरा निभा रहे थे, जिन्होंने अपने क्यूटनेस से सभी का दिल जीत लिया। पर जब इन्हें बिग बॉस में आने का मौका मिल गया तो इन्होंने अचानक इस शो को छोड़ दिया, जिसके बाद अभिनेता ऋषि देव को इस किरदार के लिए चुना गया। पर कुछ समय बाद ही उन्होंने भी इस शो से दूरी बना ली और वर्तमान में अभिनेता शहजाद शेख इस किरदार को निभा रहे हैं। नंबर 4, सुशांत व्यास। दर्शकों का सबसे पसंदीदा शो बालिका वधु में सुशांत व्यास ने शो के मुख्य अभिनेता जगदीश का किरदार निभाया था और अपने इस किरदार के जरिए फेमस भी हो गए। पर कुछ समय बाद ही इन्होंने किसी वजह से इस शो को बीच में ही छोड़ दिया, जिसके बाद इस किरदार के लिए अभिनेता शक्ति आनंद को चुना गया, जिन्होंने आखिर तक इस किरदार को निभाया और काफी अच्छे से इस किरदार को पर्दे पर उतारा, जिन्हें दर्शकों ने बड़ा पसंद किया। नंबर 3, करण मेहरा। ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा के पति कार्तिक संघानिया का किरदार पहले अभिनेता करण मेहरा ने निभाया और काफी सालों तक इस किरदार के साथ दर्शकों से खूब सराहना मिली। पर एक दिन अचानक इन्हें अभिनेता विशाल सिंह से रिप्लेस कर दिया गया, जिन्होंने बाद में काफी अच्छे से इस किरदार को निभाया था। पर लगता है ये भी इस शो को अलविदा कर चुके हैं क्योंकि ये पिछले कुछ समय से शो में नजर नहीं आ रहे। नंबर 2, धीरज धूपर। कलर्स के शो ससुराल सिमर का में सिमर के पति प्रेम भारद्वाज का किरदार पहले अभिनेता धीरज धूपर ने निभाया था और कुछ समय बाद इन्होंने किसी वजह से इस शो को छोड़ दिया। शो छोड़ने के बाद इस किरदार के लिए अभिनेता शोएब इब्राहिम को चुना गया, जिन्होंने कम समय में इस किरदार में अलग पहचान बना दी। नंबर 1, प्रत्युषा बैनर्जी। बालिका वधु सीरियल में सबसे बड़ी आनंदी का किरदार अभिनेत्री प्रत्युषा बैनर्जी ने निभाया, पर इन्होंने अचानक इस शो को अलविदा कह दिया। इस शो के मेकर्स ने रातों रात इस किरदार के लिए अभिनेत्री तोरल राजपुत्र को चुन लिया, जिन्होंने इस किरदार को अच्छे से सभी के सामने पेश किया और अपने शानदार एक्टिंग से सभी का दिल जीत लिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है किस किरदार को पहले वाले कलाकार ने अच्छा निभाया? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे दो और टीवी से जुड़ी और भी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो।